दो से ढाई लाख और रिम चेंज हो जाएगा, पूरा बॉडी चेंज होगा। और मैंने अभी फिलहाल आती अंकल किधर से आ रहे देखिए बताइए। तो गाइस ऐसे ऐसे स्टूपिड्स जो है वो दिखते रहते हैं रोड पे, और उन्हीं को दिखाने का काम जो है मोटो ब्लॉगर का होता है। सो वेलकम बैक अगेन गाइस। तो कैसे आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जाने वाले हैं अपने बाइक का जो है सर्विसिंग करवाने के लिए, थर्ड सर्विसिंग जो है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं सर्विसिंग करवाए हुए और सर्विसिंग जो बाइक मांग रही है। तो पहले हम लोग चलते हैं, सबसे पहले इधर से हम लोग गाँव होते हुए जा रहे हैं क्योंकि मामू का डर जो है आप लोग समझ सकते हो, और फिलहाल अपना लाइसेंस जो है बना नहीं है तो दिक्कत हो सकता है, इस वजह से हम लोग साइड गाँव होते हुए चले जाते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा, और कैसे कितना सर्विसिंग का कॉस्ट पड़ता है ये सब भी आपको मैं वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। एंड चलो अब वीडियो को अब स्टार्ट करिए। कमेंट ज़रूर बता देना कि आपको वीडियो वीडियोस चाहिए या नहीं चाहिए, तो मैं आपके लिए लेके आऊँगा अपने एक्सपीरियंस के किस तरीके से इसमें व्हीली किया जा सकता है, या कैसे क्या कितना RPM पे आप RR 310 को अच्छे से व्हीली कर सकते हो। तो प्लीज़ चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल बिल्कुल अभी नया है और अभी फ़िलहाल 100 सब्सक्राइबर्स हुए। तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके उतना फ्रेंड्स में भी आप शेयर कीजिए, ताकि हमारा चैनल जो है काफ़ी आगे जा सके। तो अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पे वीलीज के वीडियोस वगैरह और भी वीडियोस मैंने अपलोड किया है, तो आप जाके वो देख सकते हैं। इंस्टाग्राम हैंडल आपको यहाँ पे कहीं पर दिख रहा होगा, तो ज़रूरत से जाके आप फॉलो कर लीजिए और वीडियोस में बने रहिए इस तरीके से। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं वीडियोज आपके लिए लाता रहूँगा RR से रिलेटेड। तो ये गुमती तो अभी खुली हुई है भाई साहब, अभी हमारे साथ एक फ्रेंड है। और मेन सीन क्या है पता है, इसका जो है पीछे का डिस्क पैड जो है पूरा घिसा चुका है, और फ्यूल रेंज भी जो है अभी बहुत कम बता रहा है। तो गाइज अभी हमारा फिलहाल फ्यूल अप हो चुका है, और अभी तो अभी जो है हम लोग जब तक जाते हैं, और उसके बाद से तो यार कितना जाम है। एक ऐसा हम लोग को भी वीडियो बनाना है जिसमें ना किसी और का नुकसान हो ना हमारा नुकसान हो। गाइज अभी हम लोग यहाँ जैसे देख सकते हैं कि मिर्ज़ापुर वाले रास्ते में हैं, जो कि सीधा दिल्ली मोड़ को जाता है, तो इस रास्ते में काफ़ी रश रहता है। तो गाइज अभी फ़िलहाल जो है यहाँ से जल्दी थोड़ा कोशिश करते हैं निकालने का, काफ़ी ज़्यादा जाम जो है हमें देखने को मिल रहा है, तो इसीलिए जितना जल्दी हो सके इधर से हम लोग को रास्ता क्लियर करना है। और मैं सोच रहा हूँ कि अपने बाइक का जो है बैक का जो है वो गार्ड होता है वो मैं निकाल दूँ, टायर गार्ड, ताकि जिससे हो सके ये कि हम आराम से व्हीली वगैरह प्रैक्टिस कर सके और प्रैक्टिस करने में कोई इशू ना आए। क्योंकि मुझे जैसा लगता है कि भाई साहब उसके बैक के जो गार्ड है जो टायर का, वो काफ़ी लुक को बिगाड़ता है, क्योंकि बैक से हम लोग पोर्शन नहीं देख पाते कि टायर जो है वो कितना मोटा है या क्या है। और प्लस हमारा जो है वो व्हीली में भी आई थिंक हमको लगता है ऐसा कि वो दिक्कत देगा, तो इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि उसको हटवा ही लूँ। तो भाई जैसा कि अभी हम लोग यहाँ से थोड़ा आराम ही आराम से जाएंगे, क्योंकि आप समझ सकते हो, बाकी कोई रेस अगर राइड करने को मिलेगा तब हम ज़रूर राइड करेंगे। अगर कोई ऐसा बंदा हमें मिलता है रास्ते में जो हमारे साथ राइड करने के लिए रेडी हो,
मैं चाह रहा हूँ कि पूरा फुल सिस्टम ही एग्जॉस्ट लगवाओ ताकि कोई इशू नहीं आए बाद में। अगर एग्जॉस्ट चेंज करवाना हुआ तो डायरेक्ट जो है फुल सिस्टम से इजीली चेंज हो सकता है, बट अगर आप कट करवा ले तो अपने साइलेंसर को तो वो एक तरीके से बेवकूफ़ी है। हाँ, बहुत लोग कहते हैं कि स्लिप ऑन से जो है काफ़ी अच्छी आवाज़ आती है, लेकिन फुल सिस्टम की भाई बात ही अलग है। और वैसे भी ये बाइक तो एक डेढ़ साल हो चुका है, थर्ड सर्विस इसका फ्री कंप्लीट हो चुका है, तो अब जो है एग्जॉस्ट इजीली चेंज हो सकता है। अभी जा रहा हूँ मैं सर्विसिंग ही करवाने, तो ये लास्ट हम लोग की फ्री सर्विसिंग थी, इसके बाद से सर्विसिंग जो है ख़त्म हो जाएगी। तो सोच रहा हूँ कि जल्दी से चेंज करवा ही लूँ 4-5 दिन में। आप लोग बताना मुझे कि कौन सा एग्जॉस्ट सही रहेगा इसके लिए, कमेंट में ज़रूर बताना आप लोग। बाकी मैं तो सोच रहा था ऑस्टिन रेसिंग मुझे सही लग रहा था देखने में, उसका थोड़ा डिज़ाइन वगैरह। बाकी आप लोग बताना ऑस्टिन रेसिंग या एक्लापॉविक या आपको SC प्रोजेक्ट में से कौन सा मैं लगाऊँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऑस्टिन रेसिंग इसमें थोड़ा ज़्यादा लाउड होगा। और आप लोग बताना कि लाउड एग्जॉस्ट आपको चाहिए या बेसी साउंड, जैसा आप एक्लापॉविक में सुनते होगे बेसी साउंड, थोड़ा बेस रहता है भाई आवाज़ में। तो आप लोग बताना भाई कि किस तरीके का एग्जॉस्ट मुझे उसमें लगवाना चाहिए अपनी हुला में। बेसी साउंड में क्या होता है ना गाइस, कि आप लोग अगर बेसी साउंड रहता है तो BB किलर उसमें लग जाएगा, तो आपका बेसी साउंड हो जाएगा थोड़ा। और प्लस उसमें क्या सीन रहेगा कि आप लोग आराम से इजली प्रशासन से बच सकते हो। अगर लाउड एग्जॉस्ट रहा तो भाई साहब चलान का डर ज़्यादा हो जाता है, इस वजह से आप लोग बताना गाइस कौन सा मैं लगवाऊँ कौन सा नहीं। तो गाइस अभी दोस्त का एक शर्ट पसंद आ गया है, तो फाइनली गाइस हमारी बाइक अभी सर्विस कर चुकी है और अभी इसमें हवा डला रहा है। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर। तो गाइस फिलहाल जो है इसका चाबी कहाँ है, लेकिन एजेंसी से हम लोग निकल गए हैं। तो गाइस फिलहाल जो है वो हमारा मोबाइल का सीन नहीं हो पाया है, क्योंकि मोबाइल का काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है। हम लोग शाम में हम लोग को निकलना है, और इसी बात के बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है। हम लोग इधर ही थे, अभी 5 बज रहा है और बाइक हमारी जो फुल्ली सर्विसिंग होके आ चुकी है और एकदम पूरा मस्त लग रहा है सीन। और क्लच जो है वो पूरा फ्री हो चुका है, पहले कुछ ज़्यादा टफ था और क्लच लेने में थोड़ा सा परेशानी होता था, बट अभी जो है वो काफ़ी इजी हो गया है, तो व्हीली वगैरह भी काफ़ी इजी हो सकता है। देखता हूँ कहीं सन्नाटा मिलता है तो मैं एक बार ट्राई करता हूँ, बाकी अभी तो व्हीली मारने का नहीं है ट्रैफिक में, क्योंकि आप समझ सकते हो, ये देख सकते हैं यहाँ पे मामू का भी एंट्री हो चुका है। नहीं उठा लेकिन हवा तो ज़्यादा है। अरे भाई साहब चलो सीधा निकलते हैं। तो गाइस काफ़ी ज़्यादा भूख लग चुकी है, हम लोगों ने कुछ भी खाया नहीं था आते टाइम, और काफ़ी ज़्यादा भी कहाँ पे है यही है ना, और अभी काफ़ी ज़्यादा भूख लगी हुई है, तो हम लोग सोच रहे कुछ खा लेते हैं। तो यहाँ का मंचूरियन हम लोग जब आते हैं तब खाते हैं, भाई साहब खाया नहीं था तो काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी, तो इस वजह से यहाँ पे फ़िलहाल अभी हम लोगों ने खाया है। और अब हम लोग जा रहे हैं सीधा घर को, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है, 6 बजने वाला, भाई साहब कॉल पे कॉल आ रहे घर वालों के, और काफ़ी ज़्यादा जो है लेट हो चुका है सच में भाई।
पूरा थकावट हो चुका है ऐसा कि आपको बता नहीं सकता मैं। बाकी गाड़ी जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चल रही है, एकदम मक्खन हो गई। और आपको मैं कॉस्टिंग बता दूँ तो मुझे कॉस्ट हुआ है ये 4000 के लगभग। इसमें डिस्क पैड चेंज हुआ है, मेरा क्लच लीवर जो है वो चेंज हुआ है, एंड ऑयल वगैरह और काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, तो इस वजह से जो है 4000 मुझे कॉस्ट हुआ। हालांकि फ़र्स्ट सर्विस मुझे लगभग 2200 के लगभग लगी थी, एंड फर्स्ट सर्विस के बाद जो सेकंड सर्विस मैंने करवाया था यहाँ तो मुझे लगभग 3000 के लगभग पड़ी थी मुझे, और अभी जाके जो है 4000 लगा है मुझे, तो ठीक ही ठाक है। एज के अभी हमारा क्लच भी जो है वो चेंज हुआ है, क्लच लीवर। और मैंने अभी फ़िलहाल आती अंकल किधर से आ रहे हैं देखिए बताइए। तो गाइस ऐसे ऐसे स्टूपिड्स जो है वो दिखते रहते हैं रोड पे, और उन्हीं को दिखाने का काम जो है मोटो ब्लॉगर का होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा चुल मचा हुआ है यहाँ के लोगों में। तो R15 का जैसा कि आप लोगों ने देखा, ये की चेन किस कैसे है ये की चेन भैया? हाँ हाँ TVS ही ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, कहे के मामू सामने से देख रहा है, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।